against Pakistani spinners. These are some spectacular stats. This is him against Pakistani international cricket, both pace and spin. But आप जरा वो देखिए कि जो स्ट्राइक रेट है इनका स्पिनर्स के खिलाफ, और ये एक दफ़ा भी आउट नहीं हुए पाकिस्तानी स्पिनर्स के खिलाफ अभी तक जितने मैचेस ये खेले हैं. हाउ डू यू टेक ऑन हार्दिक पांड्या टुमारो शोएब? यू मीन द स्पिनर्स और द टीम एज अ टीम? एज अ टीम, हाउ डू यू टेक ऑन हिम? आई मीन इफ यू इफ ही कम्स अगेंस्ट आवर स्पिनर्स और आवर फास्ट बॉलर्स. आई थिंक उसको अगर हम उसकी कुछ वीडियोज भी देखें ना, सो वेयर ही इज प्रैक्टिसिंग अगेंस्ट स्पिन, आप देख सकते हैं किस तरीके से आगे बात होगी कल के मैच के बारे में. और कल का मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है क्योंकि जो रेन के चांसेस हैं अब वो कम होते जा रहे हैं, बट ऐसा है कि रेन हो सकती है लेकिन अब चांसेस कम हो गए हैं. तो मैं चाहता हूँ पूरा मैच हो, क्योंकि ऐसे में होता क्या अगर बीच मैच में रेन होती है तो ऑब्वियसली जो बाद में बैटिंग टीम करेगी उसको एडवांटेज ज़्यादा हो जाएंगे. रीज़न आपको पता है, डकवर्थ लुईस के बारे में उसको पता रहेगा कितना टारगेट चेस करता है क्या है, और साथ ही साथ जो बॉल गीली रहेगी ऑब्वियसली ग्राउंड कितना भी आप क्लीन कर लो, कितना भी साफ कर लो, कितना भी सुपर सॉपर यूज़ कर लो, बट बॉल अगर हल्की सी भी गीली होगी तो फिर बॉलर्स के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा. पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो को लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए. ओके है, दो स्कोर तीन स्कोर उसको बचाने के लिए. आपने ये बताया नहीं उनको? बताया है, लेकिन मसला ये है कि ये तो फिर बैट्स वही बताया है लेकिन निकले नहीं गया. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने एंटीसिपेट बताया है लेकिन निकला नहीं गया ब्लॉक से. आप क्या लो जी, अब हो गया नींद का टाइम. गो ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, मूव ऑन. So I'll come back. No, it's a very serious point here, guys. Yes, I know, very serious. नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा था, डेढ़ दो साल कोचिंग की है तो वो ये चीजें बताई तो होंगी तुम लोगों ने यार उनको. हमें बताना नहीं आया. नहीं बताया था आप लोगों ने. हमें बताना ही नहीं आया, मेरा कसूर है. प्रैक्टिस सेशन मैंने तुम्हारे देखे ना, मैं इंग्लैंड में बबल में था आप लोगों के साथ. आप सुबह सतीस सवेरे निकलते थे और शाम जब सूरज ढलता था तब आप वापस आते थे. कोशिश तो बड़ी की. यू गाइस एक्चुअली डिड. आई वाज यूज्ड टू वॉच योरसेल्फ लेकिन या बिकॉज आपके साथ एक्स्ट्रा लड़के भी थे, उनकी भी प्रैक्टिस करानी होती थी. आपने मैच भी हो रहा है इधर. बड़ी बड़ी फटीग चली है ऐसा. या टू मंथ्स यू गाइस वर देयर. या But then again, I mean, it's fielding, you know, it's all come to the individual, how, you know, yeah. how badly you want to become. Extra. He's a good fielder, he can explain us. So, ये नहीं कि आपने टीम ने जो 15 मिनट फील्डिंग की है या 20 मिनट की है या आधा घंटा की है वो कर लो, उसके बाद आपको एक्चुअली एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी ऑन योर ओन. दैट्स वे यू बिकम वन ऑफ द टॉप फील्डर इन योर साइड. फॉरगेट दुनिया तो बात की बात है, पहले अपनी साइड की बेस्ट फील्डर बनने की कोशिश करना. आई थिंक दैट दैट्स अ वेरी गुड, दैट्स अ वेरी गुड अप्रोच कि अपनी साइड के अंदर कंपेटिटिव हो जाओ. अपना टाइम डिवाइड करें. अगर आप प्रैक्टिस सेशन पे गए हैं तो अगर आपको जितनी भी बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है जो भी करना है उसके अलावा एटलीस्ट गिव योर सेल्फ 10 मिनट्स जिसमें आप कैचेस कर लें, शॉर्ट कैचेस कर लें, बड़े वाले कर लें, आजकल ग्राउंड फील्डिंग कर लें. वो आधे ग्लव्स पहन लेते हैं फील्डिंग प्रैक्टिस में. ओके, सीनियर प्लेयर पहन लें, आई एम ओके विद इट. टॉप बैट्समैन आपका पहन लें कि उंगली पे बॉल ना लग जाए, बट यंग लड़का जब आएगा, जब वो आधे दस्ताने पहन के फील्डिंग करेगा प्रैक्टिस में, तो मैच में वो फील ही नहीं आएगी आपको. उसी में उसका ना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है. वो इसलिए है कि मोस्टली जब आप फील्डिंग सेशंस करते हैं प्रैक्टिस में, तो ये जो है ना, ये वाला एरिया जो पाम का एरिया है, ये अंदर से ना गोश्त फटे हुए होते हैं. तो फिर मैच में आप वैसा हाथ नहीं डाल सकते, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि ये जो हिस्सा है इसको प्रोटेक्ट किया जाए. यू गाइस हैव प्लेड क्रिकेट फॉर 15 इयर्स, बाबर इज वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स, दीज गाइस कैन ओके. बट यंग कोई बच्चा आ रहा है तो उसको तो ये चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी ना, उसको तो ये हार्ड यार्ड्स करने पड़ेंगे. और वो फील की बात होती है, तुम लोगों को एक्सपीरियंस है. यू गाइस कैन यू नो कि मैच में डिफरेंट बॉल आता है, प्रैक्टिस में वो ग्लव्स पहनोगे तो वो लगेगा नहीं उंगली पे, जब तक लगेगा नहीं बॉल हाथ आपका सख्त नहीं होंगे तो फीलिंग नहीं आएगी वो. वेरी ट्रू. विद दैट वी आर गोना टेक अ ब्रेक राइट हियर ऑन द पवेलियन, बट व्हेन वी कम बैक देयर इज मोर टॉक ऑन द अदर साइड, स्पेशली अबाउट हार्दिक पांड्या एंड हिज एवरेजेस अगेंस्ट पाकिस्तानी स्पिनर्स. डोंट गो अवे, कीप वॉचिंग our A Sports, 10 Sports and the ARYZ app, which you can now download on Android as well. See you on the other side of the break. Welcome back from the break. You're watching The Pavilion. I am Fakhri Anam and this is A Sports, also on 10 Sports and the ARYZAP app, which is now also available on Android
TV. My apologies, I said Android before. It was already available on Android, but Android TV, as Wasim reminded me. With me in the studios, our legends, our national icons, heroes, Shoaib Malik, Misbahul Haq, Waqar Yunus, and Wasim Akram. Before we went to the break, I was just talking about Hardik Pandya. And if you look at his stats, and we just want to bring them up on your screen, against Pakistani spinners. These are some spectacular stats. This is him against Pakistani international cricket, both pace and spin. But aap zara wo dekhiye ki jo strike rate hai inka spinners ke khilaf, aur ye ek dafa bhi out nahi hue Pakistani spinners ke khilaf abhi tak jitne matches ye khele hain. How do you take on Hardik Pandya tomorrow, Shoaib? You mean the spinners or the team as a team? As a team, how do you take on him? I mean, if you if he comes against our spinners or our fast bowlers, I think usko agar hum uski kuch videos bhi dekhe na, so where he's practicing against spin, to wo jo close balls karte hain, jo matlab jisko aap kehte hain ki batsman ke nazdeek aap bowling kar rahe hain, wahan pe wo bahut sare shots khelte hain. Lekin mujhe ye lagta hai ki hamare jo spinners hain, unhone usko short bowling ki hai, ki ye practice bahut zyada karte hain ki ji छक्के मारते हैं अगली बॉलों को, तो हमारे स्पिनर्स उसको ना शॉर्ट बॉलिंग करते हैं. मेरे हिसाब से उसको शॉर्ट बॉलिंग नहीं करनी चाहिए, उस पर अटैकिंग ऑप्शन रखना चाहिए. ये सूर्या है, ये लग रहा है उनको भी नींद आ गई है. हाँ उधर भी ये सूर्या कुमार यादव है भाई, उनका अगला सेट था बट आपने चला दिया. ये तो मुझे ये लगता है कि उसको ना अटैक करें, स्पिनर्स जो हैं उसको अटैक करें बाय बॉलिंग बैक फुट पे नहीं, फ्रंट फुट पे, ताकि उन पे वो चांसेस ले, तो ज़्यादा चांसेस है उनको उनके आउट होने का बनिस्बत आप उनको बैक फुट पे बॉलिंग करें. ना अभी उन्होंने चला, ये अब आ गया हार्दिक पांड्या. नाउ सॉरी अबाउट दैट, वी अपोलोजाइज, गॉट द रॉन्ग प्ले देयर, बट लुक एट दैट वकार. Look, he's got a very fast hands, remember yeah. that, ठीक है ना. So he hardly moves out of his crease, he stays very still. और इवन जो मलिक ने बात की है ना कि जो द स्पिनर्स ही हार्डली यूजेस हिज फीट एंड कम डाउन टू द पिच एंड देन हिट इट. ही वेट्स फॉर द बॉलर्स टू कम टू हिम, क्योंकि फास्ट हैंड्स हैं. दैट इज़ व्हाई ही इवन जो शॉर्ट बॉल भी है ना उसको भी जस्ट पिक्स इट अप एंड हिट्स इट बिग. ठीक है ना, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर द स्पिनर्स, स्पेशली व्हेन इट्स नॉट स्पिनिंग, इट इज़ डिफिकल्ट. सो आइडियली अगेंस्ट प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया, get early wickets, get him in early, and then he struggles a little bit. You give him more overs, then there is chance that you'll pick him. एक चीज थोड़ी इम्पोर्टेंट होगी कि ये जितने स्टैट हैं, ये नॉर्मली जो पाकिस्तान उनके अगेंस्ट खेला, वो इतनी बड़ी बाउंड्रीज और इतने बड़े ग्राउंड्स पे नहीं खेला. अभी मेलबर्न की बाउंड्रीज जिस तरह की हैं, मुझे लगता है कि वहाँ पे यू कैन एक्चुअली बोल द स्पिनर्स, क्योंकि उस तरीके से बाउंड्री आपकी क्लियर नहीं होगी. वो बेसिकली बड़ी हिट्स पे रिलाई करता है, तो आई थिंक थोड़ा सा ये चीज़ भी हमें जहन में रखनी होगी, स्पेशली इन मेलबर्न, के हमने स्पिनर्स को इन बैट्समैनों के अगेंस्ट कैसे यूज़ करना. मिसबा, मैंने इसको ऑस्ट्रेलिया में खेलते देखा है, इज़ डेवेस्टेटिंग व्हेन इट कम्स टू हिटिंग, ही इज़ अ वेरी गुड हिटर. सो जो आइडियली get him early, when you get him in early, then when he has more balls, then he struggles a little. हाँ, early आता है तो उस पर अटैक रखो, as fast bowlers ले आओ, best bowlers लेके आओ और उस पर अटैक रखो, and then see what happens. I can explain a bit. Sure, please go, go for it. Go for it. Spinners जो हैं उसको absolutely go for it. Absolutely. Normally अगर वो आखिरी चार या पाँच overs में आता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि चार last चार overs में I don't think so that spinners will be bowling at that time. So we've got Shoaib Malik here. Shoaib is going to give us a little bit of a demo here on Hardik Pandya. देखें हार्दिक पांड्या को जब आप back foot पे spinner ball करता है, तो उनका flow बहुत अच्छा है और वो strong है. तो उनके लिए इधर shot खेलना भी और सामने भी खेलना और on side पे भी खेलना जो है ना, वो बहुत ईजी हो जाता है. तो मेरा ये पॉइंट है कि जब आप उनको क्लोज बॉल करेंगे, तो उनको उनके ये जो पैर हैं ये हिलाने पड़ेंगे. सो यू आर सेइंग कि अगर बॉल ये लेंथ आप बता रहे हैं कि जिस पर पुल मारते हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो ना वसीम हमने देखा है, यहां वकार भाई ने भी कहा है, यूजली यहाँ पे करते हैं जी, जैसे वकार भाई ने भी कहा है उस के वो ना अपने पैरों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता, वो शफल करता है, एक दफा उसकी बेस बन गई है, तो देन सो यू आर ट्राइंग टू से कि बॉल हिम समवेयर हियर, जी यहाँ पे, ताकि उसको ये पैर
तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन था कि कल जो मैच है उसमें की प्लेयर्स इंडिया के कौन कौन हो सकते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर बैठे हुए हैं, वसीम, वकार, शोएब, मिसबा, जिसमें वसीम अकरम को मैंने खेलते हुए नहीं देखा, वकार को भी नहीं देखा, शोएब को देखा है, मिसबा उल हक को देखा है, लेकिन मुझे पर्सनली फेवरेट मेरे वसीम अकरम है ऑब्वियसली, क्योंकि बड़ा सेंसिबल बंदा लगता है मुझे, और उसके साथ साथ शोएब मलिक भी काफ़ी सेंसिबल है और मिसबा उल हक भी सेंसिबल है। बट एक नॉनसेंस बंदा बैठा हुआ है, नॉनसेंस बातें करता है, मुँह से निकल आती है, और ट्विटर पर कभी कभी पॉर्न वीडियोज़ भी लाइक कर देता है और उसके बाद बोलता है कि ये मेरा अकाउंट किसी ने हैक कर लिया है और ये किसी और ने लाइक की है। ऐसा वकार यूनिस ने कई दो या तीन बार किया है, जिसके बाद ये काफ़ी ट्रोल की हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं यूट्यूब पर, इसके बारे में न्यूज़ भी पड़ी हुई है। वकार यूनिस ने ट्विटर पर पॉर्न वीडियोस लाइक किए हुए हैं, पॉर्न वीडियोस की क्लिप जो पड़ी होती है ना उनको लाइक करता, मतलब अब यार उसमें बुराई क्या है देखने में यार। ये बात तो सही है कि पॉर्न वीडियो, हालांकि ये टॉपिक नहीं है इसका, बट मैं ये भी कह रहा हूँ पॉर्न वीडियोज़ देखने में बुराई क्या है, कोई बुराई नहीं है, कोई भी बुराई नहीं है, एक नॉर्मल इंसान पॉर्न वीडियोस देखता है उसमें कोई बुराई नहीं है, बट ऑफिशियल आप वेरीफाइड अकाउंट से अगर पॉर्न वीडियो लाइक करोगे और आप इंडिया पाकिस्तान के लोग, तो फिर डेफिनेटली मज़ा लेंगे। बात करते हैं मैच की, पाकिस्तान के सुपरस्टार बॉलर शाहीन अफरीदी डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस बॉलर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, अगर आप देखें तो है वो, उसके अंदर एक स्पार्क है, किसी टीम को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है वो अपने दिन पर। कल अगर उसका दिन हुआ तो डेफिनेटली भारत को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। मैं सोचूंगा, चाहूंगा कि उसके ओवर थोड़ा सा आराम से खेलें, एक दो ओवर, रोहित शर्मा खेल रहा वाले ऐसे प्लेयर हैं, अगर एक दो ओवर में रन नहीं बनाते ना तो आगे चल के वो पूरा कवर कर देंगे। विराट कोहली आराम से खेले या सूर्य कुमार भी आराम से खेले, मैं तो चाहता हूँ विराट कोहली और रोहित शर्मा और केएल राहुल तक ही मैच फंसे और यही तीनों ख़त्म करें, सूर्य हार्दिक की बैटिंग ही ना आए। ऑब्वियसली ये इतने बड़े प्लेयर हैं, अगर ये खेल गए तो फिर कोई भी टारगेट ये सेट कर सकते हैं, कोई भी टारगेट ये चेस कर सकते हैं। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कमेंट अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। कल के मैच के लिए काफ़ी प्रिपरेशन है, बहुत सारे पाकिस्तान के रिएक्शन वीडियोज़ और उसके लिए काफ़ी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो देखते हैं होता क्या है। उम्मीद करते हैं रिज़ल्ट अच्छा हो, दिवाली हमारी अच्छी हो। आपको क्या कहना है प्लीज़ कमेंट में राय दें।